हाय गाइस, वेलकम टू करी विद कमल। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ऐसी ही तरी वाली जिमीकंद यानी के सूरन की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने सूरन की स्किन निकाल के उसको मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया है और साफ़ करने के बाद अभी तकरीबन इसका वजन 250 ग्राम जितना है। कई लोगों को सूरन छीलने के टाइम पे ईचिंग होती है, हाथों में खुजली आती है, तो जब भी आप सूरन को काटें तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए जिससे कि खुजली नहीं होगी। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो एक बोल में आधा कप यानी 100 ग्राम जितना प्लेन दही ले लेंगे, खट्टी दही ना लें। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार। अब हम एक विस्कर से इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। ये हमारे मसाले और दही बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, कंसिस्टेंसी भी काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। तो अब हम इसमें कटा हुआ जिमीकंद ऐड कर देंगे और चम्मच से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दही और सूरन अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो जब तक 10-15 मिनट में ग्रेवी तैयार होगी तब तक ये सूरन भी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। ये हमने एक प्रेशर कुकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े प्याज को ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, ऑयल के बगैर ही हम इसको भूनेंगे जिससे कि इसका सारा पानी सूख जाएगा और इसका मॉइस्चर भी चला जाएगा। तो इसका पानी सुखाकर हम ऑयल डालेंगे तो ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा, तेल भी ज़्यादा नहीं पिएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। कुछ ही देर में देखिए ये हमारे प्याज का सारा पानी सूख चुका है। तो अब हम इसमें 4 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर देंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे, चला लेंगे इसको एक बार। और साथ में ही हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे, 2-3 लौंग, 2-3 दालचीनी के टुकड़े और 2-3 साबुत काली मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सॉटे करेंगे। देखिए तेल डालने के बाद एक ही मिनट में ये प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, क्योंकि हमने पहले इसको बिना तेल के अच्छे से भून लिया था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से सॉटे करेंगे। अब हम इसमें 1 बड़े टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया इस तरह से ग्रेवी में पकेगा तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी में से तेल अलग होने तक इसे पकाएंगे। ये ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसने बॉटम भी छोड़ दिया है। देखिए किनारियों पे तेल भी अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ जिमीकंद ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे जब तक के इसमें से दही की कच्ची स्मेल नहीं चली जाती। देखिए कुछ ही देर में ये जिमीकंद बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसमें से दही की कच्ची स्मेल भी चली गई है। तो अब हम इसमें 2 कप यानी 400 ml जितना पानी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। फिर कुकर का लीड लगा के मीडियम फ्लेम पे इसमें 5 विसल बजा लेंगे। ये हमने इसमें 5 से 6 विसल बजा के कुकर को अपने आप ठंडा होने दिया था, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए ये हमारी सब्जी बन गई है, रंग भी बहुत अच्छा आया हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। और देखिए ये आपको दिखाती हूँ, ये हमारा सूरन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो ना हमने इसको पहले बॉयल किया था ना फ्राई किया था, तो भी ये कितनी आसानी से तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे और इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे आप नमक भी चेक कर लीजिए। अब हम इसको 2 मिनट पका लेंगे, बाद में इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए रेडी है हमारी स्वादिष्ट जिमीकंद यानी सूरन की तरी वाली सब्जी। इसे गर्मा गर्म रोटी या पराठा के साथ सर्व करें। तो इसी तरह की आसान सी रेसिपीज के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और ख़ास करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।
तो चलिए जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।